अरुण, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वाली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं आईक्यू का Z7S फ़ोन का, जो कि एक 5G फ़ोन होने वाला है। तो क्या इसका हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लगाने तो पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो फ़ोन काफ़ी मतलब तगड़ा है, इसका स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और प्राइस भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम ये देखिए अपने कंप्यूटर में पहले से मैंने ओपन कर लिया है, जिस मोबाइल का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये है आईक्यू का Z7S, ठीक है, जो कि 5G फ़ोन होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो ये मतलब आईक्यू Z7 बाय वीवो, वीवो ने इसको स्पॉन्सर भी किया है। तो ये ब्लू कलर का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका प्राइस रेंज पहले आप देख लीजिए। तो प्राइस जो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है आपको 14,999 का, मतलब 15,000 रुपये का ये फ़ोन है। अब मैं सबसे पहले आपको इस फ़ोन का लुक दिखाता हूँ। तो ये ब्लू कलर में है, जिसे बोला है नॉर्वे ब्लू, ठीक है, नॉर्वे ब्लू इसको नाम दिया गया है। और इसका लुक जो है वही काफ़ी शानदार, मतलब स्टाइलिश को डिज़ाइन किया गया है जी, देख लीजिए आप। और इसमें इनबिल्ट वो आ रहा है, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा है, डिस्प्ले सेंसर, ठीक है। तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिस्प्ले के अंदर ही इनबिल्ट है और इसमें नॉच नहीं है। सेंटर में कैमरा दिया हुआ है इसमें, देखिए, देख के तो यही लग रहा है, हाँ सही, सेंटर में ही है। तो काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन इस फ़ोन को मतलब की गई है और फ़ोन भी काफ़ी मतलब स्लिम है, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मतलब ऐसा मोटा फ़ोन नहीं है, स्लिम फ़ोन है काफ़ी, ठीक है। तो मैंने आपको फ़ोन भी दिखा दिया, फ़ोन आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके ऊपर मेंशन भी है फोटोग्राफी हाई डेफिनेशन में। तो कैमरे भाई देख के तो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, OIS के कैमरे इसमें मेंशन किया है, बाकी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो देखिए 64 मेगापिक्सल का इसका OIS कैमरा है, अल्ट्रा स्टेबल कैमरा है और 15,000 की रेंज में काफ़ी कुछ उन्होंने दे दिया है भाई इसमें। और इसमें माइक्रो मूवी मोड है, सुपर नाइट मोड है, ब्रोकन फ्लेयर पोर्ट्रेट है इसमें। तो दो चार चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैं इन लोगों ने मैंशन कर दिए, वो भी अपन देखेंगे। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसकी जो डिस्प्ले होने वाली है फ्लूट एमल डिस्प्ले है, और डिस्प्ले जो दिए भाई 6.3 इंच की काफ़ी बड़ी डिस्प्ले दी है, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है, सुपर क्लियर HD प्लस डिस्प्ले है रेजोल्यूशन के साथ। और इसमें 1300 नाइट्स पीक लोकल ब्राइटनेस दी है। और जो टच, इसका टच सैम्पलिंग रेट है वो है 360 हर्ट्स। तो टच सैम्पलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हाई फाई कर दिया है इन लोगों ने भाई यहाँ पर, तो टच सैम्पलिंग रेट इसका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं इसमें क्या है भाई। स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर है इसमें, जो कि 6 नैनोमीटर एडवांस प्रोसेस पे है और 8 कोर CPU आर्किटेक्चर है इसका। और इसका जो एंटूटू स्कोर है वो है 410,000, तो अच्छा खासा इसका एंटूटू स्कोर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मतलब मोबाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छा दे दिया भाई, 15,000 की रेंज में आपको देखिए स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर मिल रहा है, तो बढ़िया है, 5G फ़ोन है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो भाई इसमें सबसे पहले देख लीजिए जो इसका चार्जर होने वाला है वो है 44 वाट का एक फ्लैश चार्जर दिया है, सुपर फास्ट चार्जर, जो कि 24 मिनट में आपके मोबाइल की बैटरी को 50% चार्ज कर देगा, बढ़िया है यार। इसमें मोशन कंट्रोल भी दिया हुआ है, गेमिंग करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इसमें फ्रंट टच का OS दिया है 13, जो कि एंड्रॉयड 13 पे बेस होगा, काफ़ी बढ़िया चीज़ दे दी इन लोगों ने इसमें ये भी। और अगर आप इसमें रैम, तो 8GB का वेरिएंट है और 6GB का वेरिएंट है, तो 8GB रैम वाला लेंगे तो इसमें 8GB वर्चुअल रैम भी मिलेगी, आप इसकी रैम को डायमिक रैम मतलब 8GB रैम और एक्सटेंड कर सकते हैं, और 6GB वाला लेंगे तो 6GB और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जितनी रैम का फ़ोन लेंगे उतनी और एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको डबल रैम इसमें मिल जाएगी, 8 का 16 हो जाएगी, 6 की 12 हो जाएगी। तो ये भी वही वर्चुअल रैम तो आजकल ज़्यादा कई सारे फ़ोनों में आ रही है, मैंने इससे पहले भी कई सारे फ़ोनों का मतलब रिव्यू किया है, सब में इन लोगों ने मतलब वर्चुअल रैम हमें दी है। और यहाँ पे सेगमेंट्स स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है, तो भाई को मैंने पहले ही बोला कि फ़ोन काफ़ी स्लिम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइड में बहुत स्लिम है, 7.8mm का ये फ़ोन है, इसकी थिकनेस दी है। और 3.5mm का इसमें हेडफोन जैक भी आने वाला है ऊपर, आजकल मतलब आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें जैक ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट इस फ़ोन में दिया है। इसका सी टाइप पोर्ट होने वाला है और 1TB एक्सटर्नल स्टोरेज भी लग सकता है इसमें, आप कार्ड भी लगा सकते हो 1TB तक का, तो ये चीज़ भी इसमें इन लोगों ने दे दी है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं
जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट होने वाला है वो है 90 हर्ट्ज़ का। अभी मैंने मतलब आपको टच सैम्पलिंग रेट दिखाया था जो कि 360 था, और मतलब डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जो है वो है 90 हर्ट्ज़ है। तो काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस तो दिया है मतलब इन लोगों ने। अब इसमें थोड़ा कैमरे की बात और कर लूँ, 64 तो मैंने आपको बताया वाइस अल्ट्रा स्टेबल मतलब प्राइमरी कैमरा है इसका 64 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का इसका ब्रोकन कैमरा है फ्रंट वाला, नहीं मतलब ब्रोकन कैमरा जो अल्ट्रा वाइड करने के काम में आएगा, और फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है। तो सेल्फी भी आप उस पर अच्छी खासी एक मतलब हाई क्वालिटी की सेल्फी आप निकाल पाएंगे। तो कैमरे में जो जितने फीचर होते हैं तो जो अल्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग माइक्रो मूवी मोड ड्यूअल मोड सब कुछ मतलब जो आते हैं फ़ोन में तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मेरे से 44 वाट का फास्ट मतलब फ्लैश चार्जर तो है, 50% तो आपका फ़ोन इसमें यहाँ पे मतलब वहाँ उन्होंने 24 मिनट लिखा था लेकिन यहाँ लिखा है कि ये मतलब जो इन्होंने आइडियल स्पीड इसकी काउंट की है 23 मिनट 11 सेकंड में 50% ये चार्ज कर देता है। तो काफ़ी अच्छा है, अल्ट्रा गेमिंग मोड भी इसमें दिया है, मोशन कंट्रोल दिया है, 1200 हर्ट्ज़ इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी बताया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं इस फ़ोन में ऐसी। तो अब मैं थोड़ा नीचे भी दिखाता हूँ आपको, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं कि हमें और ऐसा क्या देखने को मिलने वाला है इसमें। ये देखिए 44 वाट का फ्लैश चार्जर, काफ़ी अच्छे से इन्होंने हाईलाइट किया है। एक इसमें क्या है यहाँ तो जैसा कुछ हाईलाइट नहीं किया, डिस्प्ले का बताया, डिस्प्ले जो है एमएल डिस्प्ले है 16 सेंटीमीटर 3/6.3 इंच की इसकी डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले दी है, फ़ोन काफ़ी स्लिमेस्ट है ये मैं बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वैसे ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा फ़ोन का वेट और बता दूँ आपको, फ़ोन का वेट कितना होने वाला है, रेटिंग की बात भी करूँगा मैं। तो फ़ोन का वेट आप यहाँ पे मेंशन नहीं है क्या, यहाँ पे है, फ़ोन का वेट देख लीजिए, फ़ोन का वेट काफ़ी लाइट वेट है यार ये फ़ोन, इसका 172 ग्राम का इसका वेट होने वाला है। वैसे 3.5 mm जैक है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 3.5 mm जैक भी दिए और 172 ग्राम का इसका और मतलब वेट होने वाला है, तो काफ़ी लाइट वेट ये फ़ोन है। अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 6 GB वाला वेरिएंट है, इसमें आपको एक वेरिएंट और मिल जाएगा 8 GB वाला, इसमें आपको 6 GB रैम मिलेगी और 6 GB वर्चुअल रैम भी मिलेगी। और यहीं मैं अगर बात करूँ तो इसकी जो रेटिंग होने वाली है रेटिंग काफ़ी शानदार है, 5 में से इसको 4.1 की मतलब रेटिंग मिली है इसको, तो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग इसको मिली है, एक डिसेंट रेटिंग है, 15,332 लोगों ने इसको ऑर्डर किया है, तो बहुत अच्छी इसकी रेटिंग दी है। और अब इसमें एक और वेरिएंट जो है वो दिखा दूं मैं आपको, यह मतलब ये 6 GB वाले की मैं बात कर रहा था, ठीक है, 8 GB में भी शायद अवेलेबल है, 8 GB 128 GB, और ये मैंने जिसकी बात करी वो है 6 GB 128 GB स्टोरेज के साथ है, 64 GB, तो सब कुछ बता दिया मैंने आपको। और दूसरा जो है 8 GB रैम में है, उसका प्राइस कितना होगा वो आपको दिखा दूँ मैं ज़रा, उसका प्राइस आपको पड़ेगा 15,999, 1,000 रुपये आपके और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है वैसे देखा जाए अगर तो, ठीक है। अब इसी में मैं जो बात कर रहा था, तो अभी जिस कलर की मैंने बात करी वो कलर है नॉर्वे ब्लू करके ये कलर है, एक कलर और है इसी फ़ोन में ये है, तो पैसिफिक नाइट करके कलर है, जो कि आपको थोड़ा इसका लुक दिखा देता हूँ मैं, इमेज लोड हो रही है, तो ऐसा ये कलर रहेगा, पैसिफिक नाइट का भी कलर है, तो अच्छा कलर है ये भी, कैमरा काफ़ी शानदार लग रहा है इस फोन में देखने में, ठीक है। तो 8 GB वाले में भी सेम ये दो कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों कलर काफ़ी शानदार हैं, कोई सा भी कलर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फ़ोन पे मैं एक डिस्काउंट ऑफर भी आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ मतलब, तो 14,999 का है, तो इसमें सिंपली है अगर अमेज़ोन से आप इसको ऑर्डर कर रहे हैं और अमेज़ोन की मेंबरशिप है आपको, प्राइम मेंबरशिप आपके पास, तो आपको इसमें मतलब 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप ICICI के जो अमेज़ोन पे वाला कार्ड है उसी से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये फ़ोन करीब करीब आपको 14,250 के आसपास या 249 के आसपास ये फ़ोन पड़ेगा, तो और प्राइस आपका कम हो जाएगा। बाकी अमेज़ोन पे से अगर पेमेंट करते रहते हैं तो आपको वहाँ भी कुछ कूपन वगैरह मिलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक जरूर से कर लीजिएगा, और बैंक पे भी कुछ ऑफ़र है वो भी आप यहाँ पे जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।